नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। टेक कंपनी एप्पल अपने मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट विजन प्रो के सस्ते वेरिएंट पर काम कर रही है। ब्लूमर के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी क्वालिटी और फीचर्स को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए बिना कम कीमत वाला विजन प्रो बनाएगी। एप्पल ने साल 2025 के लास्ट तक विजन प्रो के सस्ते वेरिएंट को लॉन्च करने का टारगेट रखा है। इसके जरिए कंपनी अपने डिवाइस को बड़े यूजर बेस तक पहुंचाना चाहती है। दरअसल एप्पल ने 5 जून की रात WWDC 23 इवेंट में अपना पहला एयर वीआर हैंडसेट विजन प्रो को $3500 लगभग 2.88 लाख रुपए में पेश किया है। कॉम्पिटिटर मेटा की कैस्ट में इसकी कीमत 7 गुना अधिक है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की साजिश रची है। खासकर उसने इस मसले को अमेरिका के ही सामने उठाने की कोशिश की है। इसके लिए थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से एक सेमिनार रखा गया था। इसमें वक्ताओं ने अमेरिका और पाकिस्तानी राजदूत मसूद खान के साथ अमेरिकी दूत और पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी जैसे लोग शामिल थे। सेमिनार का आयोजक PICSS का अब्दुल्ला खान है, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा रहा है। प्रदेश में पिछले दिनों हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने आईटी सेक्टर में 5000 करोड़ के एक और बड़े घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। दौसा के जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब में फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यसभा सांसद ने पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि जो कैंडिडेट परीक्षा में रह गए उनको तो अब क्या न्याय मिलेगा। पेपर लीक से ऐसे ऐसे थानेदार बन गए जिनको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं आता, ये तो मॉक इंटरव्यू में सबने देखा था। उन्होंने कहा राजस्थान सरकार के कुप्रबंधन में भ्रष्टाचार ने 67 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और रेसलर्स विवाद में पहलवान विनेश फोगाट ने बड़े दावे किए हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से आहत हूँ। जब पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात कर रहे थे तो वो फोन पर व्यस्त थे, उन्हें मेरी चिंताएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले ही पहलवानों से बात की थी, जिसमें भरोसा दिया था कि 15 जून को केस की चार्जशीट पेश होगी, 30 जून तक WFI के चुनाव करा लिए जाएंगे। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि हम चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं, अगर ब्रजभूषण पर ठोस कार्यवाही नहीं होती तो इसे रात को मीटिंग कर अगले दिन के आंदोलन का फैसला कर ऐलान कर दिया जाएगा। सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू नहीं करने दिया तो रामलीला मैदान या फिर किसी अन्य जगह पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। वाराणसी में G20 सम्मेलन के दूसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने 20 देशों से आए 200 से ज्यादा विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने भाषण में एक तरफ जहां काशी की स्प्रिट का जिक्र किया, वहीं दुनिया के दक्षिणी देश यानी ग्लोबल साउथ के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ते तनाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति से मानवता का नुकसान है, ऐसे में हमें इसे पार करना है। पीएम ने कहा काशी की स्प्रिट टाइमलेस काम करने की ऊर्जा देती है, इसमें भारत की विविध विरासत का सार है। ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए कन्वर्जन पॉइंट की तरह काम करता है। दुनिया का सबसे प्राचीन जिंदा शहर वाराणसी डेमोक्रेसी का जन्मदाता है। काशी ज्ञान का केंद्र है, डिस्कशन डिबेट कल्चर और आध्यात्मिकता सब कुछ यहाँ सैकड़ों सालों से है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।